हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल टेक्नो इंडिया। दोस्तों, आज हम केवल रायजोर जिला के नेम से किसी भी लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी जानना सीखेंगे, चाहे वो किस पार्टी से हो, उस पर कितनी क्रिमिनल केसेस हो, उसकी कितनी एजुकेशन है, उसकी एज कितनी है, और तो कुल संपत्ति उसकी कितनी है। तो कृपया वीडियो पर बने रहें, आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन कर लेने के बाद यहाँ सर्च करें माय नेता। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगा myneta.info का, इस पर क्लिक करें। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा अपकमिंग इलेक्शंस। अब यहाँ पे आप किसी भी इलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो अभी हमको लोकसभा इलेक्शन के बारे में देखना है, तो ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है लोकसभा इलेक्शन 2024। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल कैंडिडेट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे एक विंडोज अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, तो सबसे पहले मैं झारखंड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर लेना है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कोडरमा में आता है, सबसे पहले मैं कोडरमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली मीन्स विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। कैंडिडेट किस पार्टी से है, कैंडिडेट पर कितने क्रिमिनल केसेस है, कैंडिडेट की क्या एजुकेशन है, कैंडिडेट की कितनी एज है, कैंडिडेट की टोटल संपत्ति कितनी है, और बहुत कुछ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप कैंडिडेट के नेम में क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट के बारे में वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम अन्नपूर्णा देवी पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी, इसकी पिक्चर आ जाएगी, कि कौन से क्षेत्र के हैं वो भी आ जाएंगे, कौन सी पार्टी से है, कितनी एज है, इसे कितने क्रिमिनल केसेस है, कितनी संपत्ति है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से की है। देखिए, इसके लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पैन कार्ड, मीन्स पैन कार्ड दिया हुआ है या नहीं, इसका पैन कार्ड गिवन है। उसके बाद और बहुत कुछ जानकारी आ जाएगी। उसके बाद क्रिमिनल केसेस की जानकारी आ जाएगी। दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी पर दो क्रिमिनल केस शुरू में हम लोग देखे थे। दोस्तों, अब यहाँ पे उस केस के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि एक केस अभी पेंडिंग पर है और दूसरा में अपराधी ठहराया हुआ है। अपराधी में 200 का फाइन लगा था, और इसका अपराधी कब ठहराया गया वो भी लिखा हुआ है 28 अप्रैल 2023। दोस्तों, यहाँ पे किस सेक्शन के तहत ठहराया गया वो भी लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है, कब एक्सेप्ट किया था अपील, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे इसके पास कितनी संपत्ति है, किस रूप में है, वो भी लिखा हुआ है। जैसे कैश के रूप में 5 लाख प्लस है। उसके बाद बैंक्स में SBI कोडरमा बैंक में 9 लाख प्लस है, SBI कोडरमा में भी 9 लाख प्लस है, सब कोडरमा का ही ब्रांच है, सब में 5,31,000 सब अकाउंट के इन्फो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कितने कंपनी से बॉन्ड है वो भी लिखा हुआ है। SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज, इसमें भी 35 लाख प्लस है संपत्ति। उसके बाद नीचे में LIC में भी संपत्ति है 11 लाख प्लस। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ज्वेलरी में 27 लाख प्लस है। अदर एसेट मीन्स राइफल प्लस रिवॉल्वर 1 लाख प्लस है। बहुत कुछ जानकारी आ जाती है। टोटल यहाँ पे 2 करोड़ प्लस संपत्ति है। दोस्तों, यहाँ पे संपत्ति को दो भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट है मूवेबल और दूसरा है इमूवेबल। मूवेबल मीन्स जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, और इमूवेबल मीन्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि ज़मीन, इसका एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर कितना प्लॉट है, प्लॉट नंबर के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे में देखिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड मीन्स जिस पर खेती नहीं की जाती है, उसका भी डिटेल पूरा लिखा हुआ है, कहाँ पे है, कितना प्लॉट नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद कितनी इसकी बिल्डिंग है वो भी लिखा हुआ है। रेसिडेंटल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे रहती है वहाँ लिखा हुआ है। अदर्स भी लिखा हुआ है। टोटल इसका इमूवेबल में 3 करोड़ प्लस संपत्ति है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखी हुई है।
उसके बाद प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, इसका ऑक्यूपेशन पॉलिटिक्स है, सोशल वर्कर्स है, सब कुछ लिखा रहता है। दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए श्री नरेंद्र मोदी के बारे में डिटेल में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी असेंबली से खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वाराणसी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे 6 नंबर पे श्री नरेंद्र मोदी का नाम मिल जाएगा। पार्टी बीजेपी से है, 0 क्रिमिनल केसेस है, एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, ये 73 है, 3 करोड़ प्लस संपत्ति है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले नेम पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पूरी जानकारी आ जाएगी। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, पार्टी बीजेपी है, सन ऑफ दामोदर दास मोदी है, एज 73 है, क्राइम 0 है, एजुकेशन कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 1983, और बहुत कुछ मिल जाएगा। पैन कार्ड दिया हुआ है और बहुत इसके बारे में लिखा हुआ है, और क्रिमिनल केसेस 0 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट, बैंक्स में डिपॉजिट है, SBI NCS ब्रांच गांधीनगर, 73,000 प्लस है। उसके बाद बॉन्ड में लिखा हुआ है नील है इसमें, फिर नीचे टोटल 3 करोड़ प्लस संपत्ति है, और इमूवेबल में सब में नील है, मतलब 0 है इसमें। लाइबिलिटीज़ में भी 0 है। दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी नेता के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपके लिए और इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे।